नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं इस समय सीताकुंड में, जहां पर माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था, अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया था। ये जो सामने आप देख रहे हो ये विष्णु पथ है, उस सामने उस साइड में है, नदी के उस पार है। हम अभी सीता कुंड के पास आए हैं, जहाँ जस्ट इस पार सीता कुंड है और उस साइड में विष्णु पथ है। अभी नदी के हम इस साइड में हैं, जहाँ पर सीता ने बालू का पिंडदान दिया था। महत्व है कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम को पिंडदान करने के लिए बहुत देर हो गया, वो जंगल में गए थे, वो भाई लक्ष्मण भी थे, देर होने के कारण वो लोग पिंड करने के लिए नहीं पहुंच पाए, तो सीता को बहुत देर होने लगा था। तो वो खुद बैठकर अपने ससुर का पिंडदान किया और पांच जन को साक्षी माना। पांच जन में चार जन तो मुकर गए। जब भगवान श्री राम जी आके पूछने लगे कि आपने पिंडदान किया, तो बोले हाँ, बोले कि नहीं झूठा है, तब बोले नहीं मेरे पास साक्षी हैं। तो सबको बोले बुलाओ सबको, तो बुलाए तो उसमें थे पंडित, गऊ थी, तुलसी थी, बरगद था और फाल्गु नदी थी। लेकिन फाल्गु नदी भी झूठ बोल गई, गाऊ भी झूठ बोल गई, ब्राह्मण भी झूठ बोल गए, तुलसी भी झूठ बोल गई। तो भगवान को क्रोध आ गया, तो उन्होंने फिर आवाहन किया भगवान दशरथ को। तो दशरथ जी ने बताया मेरा तो पिंडदान हो गया। तब सीता जी को क्रोध आ गया, सीता जी ने फिर तुरंत उनको श्राप दे दिया। गौ माता को बोली कि ऐसा है कि आपका पूजा तो होगा, लेकिन आपके शरीर का पूजा पिछले भाग का होगा। और तुलसी को बोली कि ऐसा है तुलसी कभी भी गया में नहीं होगी। और ब्राह्मण को बोला आप जितना भी कमाओगे आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और बरगद को बताए कि आप फल फूलोगे, हाँ, और उसके बाद जो फाल्गु नदी है उनको श्राप दिए कि आपका जल जितना भी हो लेकिन आपका कभी फूला नहीं रहेगा, वो जमीन के नीचे ही पानी रहेगा, ऊपर होगा फिर भी कम हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए रहेगा बस। हम आपको जो दिखा रहे हैं इस समय, देखिए बालू नीचे हटाने पर, देखिए गड्ढा करने के बाद जो सामने कर रहे हैं, अभी देखिए जितना खनोगे उतना ही पानी निकलेगा। सबको जितने कुंड बने हुए हैं इसमें, देखिए इस साइड में अभी मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी जन हैं। और नदी गहरी नहीं है, आप इधर से इस पास से उस पास चले जाओगे तो कमर तक पानी रहेगा। मैं अभी नदी की तरफ दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने नदी है, इस पास से उस पार आप जा सकते हो नदी के। सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, वो सामने वो विष्णु पथ का है, वो सोने का है, ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो सोने का लगा हुआ है। अभी हम कल उधर भी लेके चलूँगा, आज इधर हो जाने के बाद मैं कल उधर लेके चलूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ, सब लोग गड्ढा किए हुए हैं, देखिए इसी बालू से, जो गड्ढा किए हुए हैं इसी बालू से ही पिंडदान करेंगे बना के। और यहीं पर जो सीता जी का श्रृंगार होता है एक औरत का, वही चीज़ यहाँ पर दान दिया जाता है। जो भी रहता है आपके पास वो सब यहीं पे पंडा को दान दिया जाता है, यही बालू से पिंडदान किया जाता है। अभी हम सब के पास लेके चलता हूँ, ये देखिए सब लोग सब के यहाँ पे वो है, इसी गड्ढा करते जाओगे पानी निकलता जाएगा। यहाँ पे यही चमत्कार है, जितना भी गड्ढा करोगे उतना ही पानी निकलेगा, ऊपर पानी आपको बहुत कम दिखाई देगा। आप सामने देखो,
ये देखिए सब लोग गड्ढा कर रहे हैं, ये देखिए सबके पास गड्ढा कर रहे हैं और सबके यहाँ पानी निकल रहा है। इसी पानी से निकाल कर लोग पिंडदान करेंगे। हाँ हाँ ऊपर लगी, हाँ चलो ठीक। हाँ दादाजी, वो जो है वो पुल है, इस पार से उस पार जाने का रास्ता है। ये पहाड़ है ऊपर, और सामने से हम आपको दिखाते हैं नदी तरफ घुमा के, ये देखिए नदी। सब लोग ऐसे हिलते चले जाएं, कमर तक पानी है बस पूरा इस तरफ से उस तरफ नदी जाने के लिए। आप पूरा नदी पार करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आराम साथ नदी पार कर सकते हो, ज़्यादा जल नहीं है इसमें। इसके लिए लोग इधर से उधर जाने के लिए पैदल भी चले जाते हैं। देखिए हर जगह यहाँ पर दान दिया जाता है, जो सोना चांदी आपका जो चीज़ है वो आप सब दान कर सकते हो। देखिए सब लोग बैठे हैं लेके, यही पंडा जी को दान करेंगे। श्रृंगार रहता है, आम का पौधा दान दिया जाता है, अन्य दान दिया जाता है, आपके पास जो शक्ति हो आप वो दान दे सकते हो यहाँ पे। हाँ चाचा ऊपर लगा, हाँ हाँ बस बस ठीक, हाँ 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 चाचा जी ऊपर 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 देखिए, हाँ पंडित जी, हाँ इनको ऊपर लगाइए। अच्छा ठीक है, ये देखिए हमारे साथ सब लोग आए हुए हैं, एक ही बस में हम लोग सब लोग हैं इस समय साथ में। अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलूँगा, दूसरी जगह जाऊँगा विष्णुपद के लिए। पंडा जी सब सामान भरते हुए। अच्छा दोस्तों, तो अब हम यहीं पे वीडियो को विराम देता हूँ। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और लाइक एवं शेयर जरूर करें हमारा वीडियो, जो नए हों वो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं विष्णुपथ में कल।